अनूपगढ़ ज्योति चैनल में आप सबका स्वागत है। अब रुख करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने श्री गंगानगर पहुंचकर एक रोष मार्च निकालने का निर्णय किया, जिसमें श्री गंगानगर जिले के हर टैक्सी स्टैंड के ड्राइवरों ने भाग लिया। इस रोष मार्च का मुख्य कारण था यातायात अधिकारियों द्वारा ड्राइवरों का शोषण और पुलिस द्वारा अवैध वसूली। तंग हार कर जिले के ड्राइवरों ने यह कदम उठाया। ये कार्यक्रम राजस्थान टैक्सी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष जसकरण सिंह संधु और जिला प्रधान सत्यनारायण सत्तू की अगुवाई में किया गया। प्रशासन को जैसे ही पता चला तो जिला इंचार्ज सीओ इस्माइल खान और जिला ट्रैफिक इंचार्ज कुलदीप चारण तथा सदर थाना प्रभारी राजेश कुमार राजस्थान टैक्सी यूनियन की सभा स्थल पर ही पहुंच गए और कहा, रोष मार्च मत निकालिए, हम आपको हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो पीड़ित ड्राइवरों ने उनकी बात को स्वीकार ली और सब लोग अधिकारियों से सवाल जवाब करने लगे। अधिकारियों ने ये वादा किया कि क्षमता से अधिक एक या दो सवारी होगी तो चालान नहीं काटा जाएगा, लोडिंग गाड़ी में दो तीन सवारी होंगी तो भी माफ होंगी, एंट्री नहीं वसूली जाएगी और पूरी तरह से हम कॉरपोरेट करेंगे। इस अवसर पर पंजाब टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष केवल बन्ना भी मौजूद थे और ये सारा कार्यक्रम जिला चेयरमैन धर्म हांडा और राजस्थान टैक्सी यूनियन के प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी नायक सूरज की देखरेख में संपन्न हुआ। हमारी कभी कोशिश नहीं रहेगी कि आपको परेशानी हो, हम कोशिश करेंगे कि जैसे हमारा व्यवहार पहले रहा वैसे ही आपके साथ रहे और आपकी कोई शिकायत हमारे पास आए ही नहीं। तो कानून से हम पूरा नहीं आ सकते, अब हमें आपकी भावना देखनी है और आपको हमारी भावना देखनी है। ये कोशिश करेंगे कि आपको परेशानी नहीं हो, आपको नहीं होगी तो आपकी जनता को नहीं होगी, परिवार को नहीं होगी। इसलिए आप भी कानून की पालना करें, सीट बेल्ट लगा। हेलो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अनुग्रह ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।